अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करूंगा और जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं उनकी ड्यूटी के बारे में कुछ ज़रूरी खबरें आई हैं और इसके अलावा आपकी तरफ से कुछ कमेंट आई थी उनके जवाब मैंने इस वीडियो में दिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से खबर आई है प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, कंपनियों में जो काम करते हैं उनकी ड्यूटी के बारे में। तो आप जो है काफ़ी दिनों से एक खबर सुन रहे होंगे कि अब जो है सऊदी अरब के अंदर जो लोग कंपनियों में काम करते हैं उनकी दिन में जो ड्यूटी होगी वो 8 घंटे की होगी और एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे ही काम करेंगे। तो देखिए इस पर जो स्टडी चल रही थी तो आज यहाँ पर फिर से जो है एक नई जानकारी आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने मजीद इस पे जो है स्टडी करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द यह कानून आने वाला है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। तो जैसा कि आपको मालूम है सऊदी अरब के अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर है तो वहां पर तो हफ्ते में 40 घंटे जो है काम होता है और दिन में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, यानी जुमा और शनिचर जो है छुट्टी होती है और सिर्फ हफ्ते में 5 दिन ही काम करते हैं लोग। तो यही वाला मॉडल बहुत जल्द प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रमजान के महीने में जो लोग मुस्लिम हैं वो 6 घंटा काम करेंगे और हफ्ते में 30 घंटा काम करेंगे। और वही चीज यहाँ पर निकल के आ रही है कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रहेगी। तो देखिए ये खबरें जो है बहुत ही ज्यादा चल रही हैं अभी और बहुत जल्द इंशाल्लाह हो सकता है कि इस कानून पे अमल दरामद भी हो जाए। इस नए कानून के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक खबर सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से आई है और यहाँ पर यह बताया गया है कि रियाद के अंदर एक वेयर हाउस पर छापा मारा गया है जहां से 5 टन से भी ज्यादा चिकन ऐसा बरामद किया गया है जिसको रीपैकिंग किया गया था, यानी वो एक्सपायर था वो चिकन, लेकिन उसको नई तारीख के साथ में पैक किया गया था। तो बताइए सऊदी अरब के अंदर भी और रमजान के महीने में भी जो है ऐसा हो रहा है कि जो एक्सपायर चीजें हैं उस पर नई तारीख डाल करके लोगों को सेल की जा रही है। और इसके अलावा एक खबर तवक्कल ना एप्लीकेशन की तरफ से आई है किबला डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ये नई सर्विस जो है शुरू की गई है तवक्कल ना के अंदर, तो आप जो है किबला किस तरफ है बहुत ही अच्छे से इसमें जान पाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो है सफर कर रहे हैं या कहीं बाहर हैं तो आपको यह पता नहीं चलता किबला जो है किस तरफ है और किस तरफ को जो है आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि आप अपनी तवक्कल ना एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको जाना है सर्विस में, उसके बाद आपको क्लिक करना है रिलीजियस सर्विस पे। वहां पर आपको किबला आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है तो वहां पर कंपास खुल जाएगा। फिर वहां पर आपको एक एरो का निशान दिखाई देगा जो कि आपको बताएगा किबले की सही डायरेक्शन। और इसके अलावा यहाँ पर एक और खबर आई है सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से और यहाँ पर इंडिया के ऊपर एक पाबंदी लगाई गई है झींगा इंपोर्ट करने पर, क्योंकि यहाँ पर यह बताया है कि इंडिया से जो झींगा आ रहा है उसमें कोई वायरस पाया गया है जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर एक टेम्परेरी बैन लगाया गया है कि अभी फिलहाल इंडिया से झींगा नहीं मंगाया जाएगा सऊदी अरब। इसके अलावा एक खबर जवाजात की तरफ से आई है डोमेस्टिक वर्कर के बारे में, यानी जो लोग यहाँ पर फैमिली ड्राइविंग का काम करते हैं या खदामा का काम करते हैं। तो किसी ने जो है जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर एक सवाल पूछा गया था डोमेस्टिक वर्कर के एकामे की फीस किस्तों में जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिये यहाँ पर जवाजात की तरफ से कहा गया है कि डोमेस्टिक वर्कर के एकामे की फीस किस्तों में जमा नहीं की जाएगी। ये सुविधा सिर्फ जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं यानी कंपनियों में काम करते हैं, तो वो लोग 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए या 1 साल के लिए भी अपना जो है काम रिन्यूअल कर सकते हैं फीस जमा करने के बाद में, लेकिन ये सुविधा डोमेस्टिक वर्कर के लिए नहीं है। तो वैसे भी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा डोमेस्टिक वर्कर का जो एकामे है वो 500-600 रियाल का बन जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया है कि किसी गैर मुल्की ने अपनी फैमिली को यहाँ पर विजिट वीजा पर बुलाया है और वो गैर मुल्की यहाँ पर टीचर का काम करता है, तो क्या वो अपनी फैमिली के लिए एकामा जारी करा सकता है या नहीं करा सकता। तो देखिए यहाँ पर जवाजात की तरफ से साफ साफ बताया गया है विजिट वीजा पर आने वालों का एकामा नहीं बनाया जाएगा, चाहे आप टीचर का काम करते हैं या इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, यानी जो लोग भी विजिट वीजा पर आएंगे उनका एकामा नहीं बनाया जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों की तरफ से कुछ कमेंट आई थी उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर एक भाई ने सवाल किया है शमशुद्दीन मोहम्मद ने, उन्होंने ये मालूम किया है अगर बस से हम जाते हैं उमरा करने के लिए तो क्या हमें उमरा परमिट लेना होगा या नहीं होगा। जैसे कि आपको मालूम है कल की न्यूज में मैंने आपको बताया था कि मक्का के सभी जितने भी एंट्री पॉइंट है वहां पर चेकिंग हो रही है और उमरा परमिट जो है देखा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा चाहे आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं तो आपको उमरा परमिट लेना जरूरी है। और इसके अलावा शादाब अहमद ने यहाँ पर एक सवाल पूछा है कोरोना वायरस के जो केस बढ़ने लगे हैं सऊदी अरब के अंदर इसकी वजह से फ्लाइट तो बंद नहीं होगी। तो इंशाल्लाह फ्लाइट बंद नहीं होगी, देखिए लोग जो है वैक्सीनेटेड हैं
और जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो पहले की तरह नहीं बढ़ रहे हैं जैसे कि पहले हजारों में थे, यानी कि जो मैंने आपको खबर बताई थी उसमें 260 या 280 लोग ही इन्फेक्टेड पाए गए थे। और इसके अलावा एक भाई ने बहुत ही जरूरी सवाल पूछा है कि उनकी कंपनी एकामा नहीं बना रही है, वो किस तरह से इंडिया जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी सऊदी अरब के अंदर इस तरह से हैं कि उनकी जो कंपनी है उनके एकामे को नहीं बनाती, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ही फंस जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सऊदी हुकूमत की तरफ से काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन जो है बदले गए हैं और गैर मुल्की लोगों के लिए एक फ्लेक्सिबल जो है कानून बनाए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको अभी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बताना चाहूँगा, अगर आपकी कंपनी आपके एकामे को नहीं बना रही है तो पहला ऑप्शन तो यह है कि आप जो है मकतबल अमल जो है चले जाएं, वहां पर कंप्लेन कर दें, वो आपका फाइनल एग्जिट वीजा लगवा के आपको यहाँ से आपके मुल्क जो है भिजवा देंगे। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर यह है, और जो कि बेस्ट जो है यहाँ पर मैं कहूँगा इसको, कि अगर मान लीजिए आपकी कंपनी 3 महीने तक आपके कामों को नहीं बनाती है और वो एक्सपायर ही रहता है, तो फिर आपको ये इख्तियार हो जाता है कि आप अपना कहीं पर भी नकल कफाला करा सकते हैं। तो मेरी राय तो यही है ऐसे लोगों के लिए कि कोर्ट कचहरी में जाने से अच्छा है कि अपना जो है कहीं दूसरी जगह नकल कफाला करा लें, और या तो उनसे पहले ही तय कर लें आप कि मैं नकल कफाला करा रहा हूँ फाइनल एग्जिट जाने के लिए, और वो अगर एग्री हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप उनके साथ में कर लें, 1 साल वहां पर आप काम करें और फिर आप अपना फाइनल एग्जिट वीजा लगा के यहाँ से जा सकते हैं। और इसके अलावा सरफराज अहमद ने एक सवाल पूछा है कि जो लोग नए वर्क वीजा पे सऊदी अरब आते हैं काम करने के लिए, तो कंपनी उनको कितने दिन में काम पे लगा देती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉर्मली जो भी वर्कर सऊदी अरब आता है काम करने के लिए तो उसका मेडिकल यहाँ पर होता है, तो मेडिकल होने के बाद ही उसको काम पे लगा दिया जाता है, फिर 90 दिन के अंदर अंदर जो है एकामा भी बन जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो कंपनी है वो पहले वर्कर का मेडिकल कराते हैं, फिर उसके बाद उसका एकामा जो है बनता है और उसके बाद उसको काम पे लगाया जाता है, यानी वो कंपनी की मर्जी है कि वो आपका मेडिकल करने के बाद ही आपको तुरंत काम पे लगा दे या एकामा बनने के बाद आपको काम पे लगाए। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर मेडिकल होने के तुरंत बाद ही वर्कर को काम पे लगा दिया जाता है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, और आपकी तरफ से कुछ कमेंट आए थे, उनके जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।